Good morning, everyone. Class 4 Hindi. सबसे पहले वर्ना विचार. वर्ना किसे कहते हैं और क्या है? किसी भाषा की मूल ध्वनि के लिखित रूप में प्रयुक्त होने वाले चिह्न वर्ना या आसार कहलाते हैं. आ, आ, क, ख आदि, इसको वर्ना कहते हैं. नंबर दो, वर्ना विशेष. वर्ना विशेष किसे कहते हैं? वर्णों के मेल से सब बांधते हैं. शब्दों में प्रयोग वर्णों को अलग करके लिखा जाता है, उसे वर्णा विशेष कहते हैं. उदाहरण मतलब एग्जाम्पल, किसान. किसान है तो क प्लस ई प्लस स प्लस आ प्लस न प्लस आ, किसान. और कमल, क प्लस आ प्लस म प्लस आ प्लस ला प्लस आ. घोड़ा, घ प्लस ओ प्लस री प्लस आ, घोड़ा. गड्ढा, ग प्लस आ प्लस धा प्लस आ, गड्ढा. लड़का, ला प्लस आ प्लस री प्लस आ प्लस का प्लस आ, लड़का. ये वर्णा विशेष है, वर्णा विशेष. और नेक्स्ट में नंबर तीन में ये है वचन है. वचन इसका मतलब है नंबर. वचन है, वचन किसे कहते हैं? इसमें है सबके जिस रूप से उसकी संख्या की बहुत हो, अर्थात वहां एक है या एक से अधिक, उसे वचन कहते हैं. वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन. एक वचन है अंग्रेजी में सिंगुलर और बहुवचन है प्लूरल. उदाहरण, कुछ एक वचन शब्दों के बहुवचन रूप यहां है कि पुस्तक एक वचन है पुस्तकें, घोड़ा घोड़े, रात रातें, लड़का लड़के, बच्चा बच्चे. ये बिना मात्रा वाला शब्दों के बहुवचन होने वाले एक ही मात्रा से होते हैं. पुस्तक है पुस्तकें, और ये एक वचन अंत में मात्रा हुआ है तो आ की मात्रा हुआ है तो प्लूरल में एंडिंग में एक ही मात्रा होता है. और रात है ये शब्दों में अन में बिना मात्रा वाले शब्दों है तो भी एक ही मात्रा से आते हैं. लड़का है, लड़का है ये आ की मात्रा से अन होता है, एन होता एंडिंग होता है,
इसलिए ये लड़ी का है एक ही मात्रा होता है लड़के, और बच्चा है उसी प्रकार बच्चा बच्चे, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया यहाँ लड़के बच्चा बच्चे होने, और ये कुछ एकवचन शब्दों के बहुवचन रूप हैं। धन्यवाद।